वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज नितानंद। वेलकम टू अनदर व्लॉग। ओके गाइस, मैं आप लोग के लिए फिर से एक न्यू व्लॉग लेकर आ चुका हूँ। तो मुझे पता आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यूट्यूब तो क्विट कर दिया था, बट मैं यूट्यूब में वापस क्यों आया। तो गाइस, कुछ लोगों ने मुझे थोड़ा सा मोटिवेट किया, बोला भाई तुम व्लॉग ठीक बनाते हो तो तुम करो। कोई भी चीज़ तुरंत नहीं मिलता, उसके लिए मेहनत करना पड़ता। और मुझे भी लग रहा है कि अगर मैं मेहनत करूँगा तो एक दिन ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, नहीं भी होगा बट मेहनत करने का जाता है एक सीख मिलेगा। तो थंबनेल में तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो अभी मुझे ज्वाइन करेंगे प्रथम और संदीप भैया, जो कि स्कूटी से आ रहे हैं। तो वो लोग अभी आप लोग को थोड़ी देर दिख जाएंगे। तो व्लॉग मैंने टे व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। पूरा खोल दिया। पहले यहाँ पे झूला चलता था, कोयला इधर उधर आना जाना होता था। अब इसको खोल दिया गया तो बेकार लग रहा था। हम लोग यहाँ नहीं रुके, हम लोग सीधे मिलेंगे आपको पार्क। ओके सर, मैं हूँ पार्किंग में। कॉल में थोड़ा जल्दी आया, कॉल मुझे रास्ता पता था, वो लोग को रास्ता पता नहीं था। उन लोगों के पास हेलमेट भी नहीं है तो उन लोग को हाफ किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ेगा। तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा, अगर आप लोग आ रहे हो यहाँ तो डबल हेलमेट पहन के आना, कोई आप लोग को एंट्री गेट पर उतार दिया जाएगा और आप लोगों को फालतू का 1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। मेरे पास हेलमेट था इसलिए मैं पार्किंग तक पहुंच गया। अब मैं उन लोगों का वेट कर रहा हूँ, अब देखते कितना देरी में आते कितना देरी में नहीं। और उधर पार्क, यहाँ दो पार्किंग है, तो आप लोग कोशिश करना कि ऊपर वाले पार्किंग में लगाए। तो ऊपर वाले पार्किंग में लगाओगे ना आप लोग, तो आप लोग को एंट्री गेट जाने में ज़्यादा नहीं चलना पड़ेगा। और एक नीचे में, मतलब स्टार्टिंग में ही पार्किंग हो, वहाँ आप लोग मत लगाना, नहीं तो इसमें भी 1.5 किलोमीटर आप लोगों को चलना पड़ जाएगा। तो उन लोगों को आने दीजिए और अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर कराते हैं कि एक साल बाद का यहाँ का कैसा एक्सपीरियंस है। मैं तो यहाँ आते रहता हूँ बट इस बार मतलब मुझे व्लॉग है ना पूरा प्रॉपर अच्छे से करना। वैसे तो दोनों आ चुके हैं, दोनों का रास्ता नहीं मिल रहा था और मैंने तो 2 राउंड लगा लिया इन लोग के चलते। स्कूटी से आए थे, इन लोगों के पास एक ही हेलमेट था इसलिए हम लोग को पैदल आना पड़ा। मैंने बाइक लगा दिया, पहले से यह पार्क कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो गया। तो पहले मैं आप लोग को इस पार्क का मैप दिखा दे रहा हूँ, तो आप लोग इसे पहुँच करके पढ़ लेना। आप लोगों को जिधर से मन होगा उधर से घुसना। और यहाँ पे वॉशरूम, सिक्योरिटी गार्ड भी यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट है और इसमें मछली भी रहता। इधर इधर ऐसे, इसमें मछली है देखेगा, देखो 220 मछली छोड़ा गया था, 1000 हो गया। पानी भी साफ सुथरा पीने वाला, देखो कितना बड़ा बड़ा हो गया। घर लेके जाना एक दो ठो, जाने की सोच रहे हैं। चलिए, तो अभी हम लोग पूरा ऐसे घूम के पूरा पार्क एक्सप्लोर करेंगे, 4-5 ठो रील वगैरह बनाएंगे और इस पार्क के बारे में आपको बताएंगे और एंजॉय करेंगे। गाइस, तो आप लोग किसमें भी मतलब चढ़ के ऊपर जाकर फोटो शूट कर सकते हो। अब बैठने का भी इधर जगह और यहाँ से आपको पूरा माइंस दिखेगा मस्त। क्या प्रथम, तुम रो क्यों रहे हो भैया? ओ भैया, गर्लफ्रेंड साथ कहे नहीं आया? गाइस, तो अभी माइंस देखेंगे ऊपर चढ़ के। वाओ, रॉकी भाई बन गए हम लोग। लोकेशन ब्रो? टाटा स्टील रामगढ़ घाटो। ये देखिए पूरा माइन, कौन सा फिल्म था? KGF 2। वही पुल से आए थे ना अभी हम। बढ़िया, रास्ता चेंज ना हो गया तो बहुत दिक्कत हो रहा है। गाइस, तो नीचे से है, अब ऊपर से व्यू देखते हैं कैसा दिखता। तो यहाँ पे देखिए टाटा स्टील का लोगो दिया हुआ और एक हर जगह है ना बैठने का दिया हुआ। हटना बाहर,
ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਓਕੇ ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਯਹਾਂ ਪੇ ਚੱਲ ਰਹਾ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਔਰ ਇਨ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕੋਜ਼ ਮੈਨੇ ਹੀ ਖਿੱਚ ਦਿਆ, ਮੁਝੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਕਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਬ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹਾ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨੇ ਨੀਚੇ, ਵਹਾਂ ਪੇ ਉਹ ਲੋਗ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਚੱਲ ਰਹਾ ਤੋ ਉਨ੍ਹੇ ਕਰਨੇ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਔਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਬੈਠਨੇ ਵਗੈਰਾ ਕਾ ਪੂਰਾ ਦਿਆ ਹੁਆ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕਿਊਟ ਸਾ ਡਸਟਬਿਨ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਯਹਾਂ ਪੇ जैसे मीटअप होता है ना तो आप लोग फेक रील बना सकते हो यहाँ आके, मस्त सा एकदम फेक रील वाला। और वहाँ पे टाटा स्टील का बोर्ड इधर साइड में, मस्त मस्त जगह, मस्त जगह। मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग यहाँ फैमिली से आओ। और एक बात मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, ये क्लिप मैं वीडियो के शुरू में भी डाल दूंगा, अगर आप लोग यहाँ आ रहे हो तो जितने आदमी प्लीज़ हेलमेट पहन के आना, और अगर कार से हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और उधर वॉशरूम, बस छोटा सा एक पार्क है बढ़िया सा, तो मौज मस्ती करने के लिए, चिल करने के लिए, या थोड़ा सा किसी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, या गर्लफ्रेंड के साथ, किसी के साथ भी आप लोग यहाँ आ सकते हो। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, सोके सोके सोके। वहाँ पे हम मेरे फ्रेंड लोग, मैं बोला यार मैं जा रहा हूँ ब्लॉग बनाने, तुम लोग अपना फोटो शूट करो। मुझे तो एकदम मन नहीं है फोटो शूट करने का, वीडियोग्राफर का ना फोटो शूट करने का एकदम मन ही नहीं करता। अरे यार ये क्या देखने को मिल रहा, चींटियाँ ही चींटियाँ। अभी मैं बैठने वाला था, बच गया। तो गाइस यहाँ आते हो तो प्लीज खाना वगैरह ऐसे मत फेंका करो। ये बड़ी अच्छी बात कही यार, कुछ चींटी लग जाता। गाइस तो प्रथम ने अभी मेरा फोटो खींचा, देखते कैसा खींचा दिखावा। पैसा बर्बाद, कोई सीख जाएगा, आपकी बार सीख जाएगा। गाइस तो धीरे धीरे शाम भी होता जा रहा, और अभी ये सब जगह तो एक्सप्लोर नहीं किया, बट मैं आप लोगों को ऊपर से दिखा दे रहा हूँ। इधर फोटो शूट चल रहा प्रथम कैमरा मैन है, और धीरे धीरे लाइट वगैरह भी जल रहा है, इधर भी जल रहा है, इधर भी जल रहा है। तब हम लोग देखते कितना देर यहाँ रुकते और कितना देर नहीं। और गाइज एक बात और, आप लोग यहाँ डाउट होगा कि पैसा वगैरह लगता है, तो आप लोग पैसों की टेंशन मत लेना, कॉज ये रहता। तन टाटा जी का पार्क है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ कभी पैसा नहीं लगता। और अगर कोई गार्ड वगैरह आपसे पैसा वगैरह मांगेगा तो आप लोग उस टाइम लीगल एक्शन लेना, कॉज एकदम फ्री पार्क है। क्या हो गया, फोटो अच्छा नहीं आ रहा मेरा? कैमरा मैन ही बेकार है तो क्या फोटो अच्छा आएगा, जानता जरा सैलरी काट लेंगे हम। सॉरी भैया, आपने अगर टाटा स्टील पार्क में आप लोग को पेड फोटोग्राफी करवाना है तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर बताइएगा अपने फोन का। नंबर याद नहीं? नहीं, नंबर बताइएगा तो हम फोटो खिंचाएगा। तो भाई इनका नंबर बताना। कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? डन। गाइस तो शाम का समय आ गया, अब हम लोग कैमरा पैक कर दे रहे हैं। क्या कर रहा भाई तू? इधर है ढक्कन, इसलिए ना बोलते सीख लो। छोटा लेंस का ढक्कन, इसलिए ना बोलते सीख लो। देखो ये बड़ा लेंस का ढक्कन है, ये छोटा लेंस, छोटा लेंस खिंचवाएगा ना। ना हो गया, हो गया। अब नेक्स्ट टाइम। तो गाइस मैंने स्वेटर लेके आया था, और हम लोगों ने सब में स्वेटर लेके आया था, और मुझे पता था कि शाम में हम लोग को ठंड लगने लगेगी, और वो सही बात था। तो अब हुडी मारते हैं, उसके बाद देखते क्या होता क्या नहीं। अब घर जाने में इतना हम लोग का हालत ख़राब होने वाला है ना, हम लोग आप लोग कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तेरा शर्ट वहाँ पर रखे उजाले का। ओके गाइस मैंने हुडी पहन लिया, मेरा माइक का बैटरी ख़त्म हो चुका था, इसलिए मैंने वो खोल लिया। और मैं चश्मा में कैसा लग रहा हूँ कमेंट बॉक्स में बता देना। तो अब धीरे धीरे लाइट वगैरह जल रहा है, और शाम का टाइम भी हो गया, तो अब चलते हैं देखते हैं। बस बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा, और हालत पूरा का पूरा ख़राब होने वाला है, मुझे पता है। रास्ता भर में आवाज़ थोड़ा सा डाउन हो गया होगा, बट मैनेज कर लीजिएगा, बिकॉज माइक की बैटरी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और इधर का तो एक राउंड हम लोगों ने लगा लिया, अब एक राउंड और उधर मार लेते हैं, उसके बाद बाहर निकलते हैं, फिर बाइक लेते हैं, फिर सीधे चलते हैं घर। और कुछ भी होगा तो मैं घर जा कर बता दूंगा। गाइस यहाँ पर पानी पीने का भी व्यवस्था है, और हैंड वॉश का भी व्यवस्था। पानी पीने के लिए आप लोग यहाँ से पी सकते हो, स्मार्ट सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट। इधर हैंड वॉश भी कर सकते हो, और इधर टॉयलेट भी है, बाथरूम भी है, तो कोई चीज़ का आपको यहाँ पे इशू नहीं होगा। तो ये जगह के बारे में मैंने बहुत ही कम जन जानते हैं, और प्रथम को भी नहीं पता था। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। मतलब कैसा
मतलब बोलते हैं ना दिल गार्डन गार्डन हो रहा है तो जन्नत जन्नत। तो गर्लफ्रेंड भी लेके कब आ रहे आप? नहीं मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। गर्लफ्रेंड ही नहीं तो झूठ बोल रहा है गाइस, इसकी बातों पे मत आना, बहुत बड़ा झूठा। चार पांच तो आराम से रखा। और एक बार फिर से मछली को देख लेते हैं, इधर मछलियाँ हैं क्योंकि मैं हमेशा देखता हूँ। बट कोई नहीं गाइस, हम लोग को मछलियाँ ले जाने नहीं मिलेगा। तो जब इतना एक्सप्लोर कर लिया तो वॉशरूम भी एक्सप्लोर कर ही लेता। इधर है गर्ल का, इधर है जेंट्स का। गाइस तो अभी हम लोग वॉशरूम में कुछ वॉशरूम चेक कर रहे कैसा। तो मैं आप लोग को एक बात बता देता हूँ, ऐसा वॉशरूम है ना, मुझे लगता है कि रामगढ़ का कोई महंगा महंगा होटल होगा ना, वहाँ पर भी नहीं। और यहाँ वॉशरूम में ब्लॉग बनाने का ना कुछ नेक्स्ट लेवल का मज़ा होता, जो कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पर कुछ फ़ोटोशूट वगैरह करते हैं और बाइक लेते हैं और निकलते सीधा घर। गाइस तो अभी हम लोग निकल चुके हैं बाथरूम, वॉशरूम और पार्क के बाहर, तीनों जगह से निकल चुके हैं। कोई वॉशरूम यहीं था और एग्जिट गेट भी यहीं है। और हम लोग अब यहाँ से जा रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि मैं घर जाकर वीडियो बना पाऊँगा कि नहीं बना पाऊँगा, इसलिए मैं आप लोग को बोल दे रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग में क्या अच्छा लगा। और जो नहीं भी अच्छा लगा होगा ना तो कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि मैं अपनी गलतियाँ सारी सुधारना चाहता हूँ। और अब एक चीज़ ध्यान में रखना आप लोग, कि ऐसे ब्लॉग आते रहेंगे, कुछ का भी मैं कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा बनाते रहूँगा रामगढ़ का, क्योंकि मुझे रामगढ़ का नाम आगे लेके जाना है। और आप लोग को मतलब वीडियो है ना प्रॉपर वे में हमेशा देते रहना। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही था। और वीडियो एंड करने से पहले मैं आप लोग को यहाँ कुछ इन्फॉर्मेटिव और मेन मेन बात बता देता हूँ। अगर आप लोग यहाँ आ रहे हो तो जितने आदमी आ रहे हो बाइक से या स्कूटी से, तो हेलमेट पहन के आना। और ये पार्क फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ आप लोग को एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। और अगर गार्ड आपसे पैसा वगैरह मांगता तो आप लोग लीगल एक्शन करना। हेल्पलाइन नंबर भी ये सब दिया रहता है गूगल पर, तो आप लोग कॉल करके गार्ड का नाम से या गार्ड कौन सी जगह बैठता आप लोग कंप्लेन कर सकते हो। और इधर प्लीज़ गंदगी मत फैलाना, और गार्ड बहुत डांटता, ट्रिपल लोडिंग अलाउ नहीं है। और ये पार्क बहुत साफ़ सुथरा, तो गुटखा वगैरह नहीं खाना, नशा करना अलाउ नहीं है। गर्लफ्रेंड के साथ आ सकते हो, फैमिली के साथ आ सकते हो। और इस पार्क का खुलने का टाइम है आपका 10 बजे, और ये पार्क बंद होता है आपका शाम में 5 बजे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस। तो अभी है शाम का समय, पूरा लाइट वगैरह जल रहा। और एक चीज़ मेन चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये जो गेट है ना हमेशा क्लोज रहता है। तो अगर आप लोग यहाँ आते हो ना तो ये मत समझना कि बंद है, यहाँ पे आप लोग नॉक करना, वहाँ पे गार्ड है तो आके गेट खोल देगा। उनका माइंड सेट में रहता है कि पार्क बंद है, बट ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग नॉक करना और वो गेट खुल जाएगा। एंट्री वगैरह होगा, फिर आप लोग को अंदर जाने दे दिया जाएगा। चलिए चलते हैं।